हाँ जी, गुड इवनिंग, ऑडिबल हूँ मैं? अच्छा, फिर मैं खड़गपुर आ गया हूँ ना यहाँ पे। तो ऐसा ना, तुम ट्रेन का जानते हो, मैं 3 बजे ट्रेन थी, 6 बजे पहुँचने वाली थी, फिर वो 6 बजे आई, 9 बजे पहुँचना था, अभी पहुँचा हूँ जस्ट। तो बताओ, स्टार्ट करते हैं। तो अभी इसको भी वहाँ शिफ्ट करना है ना, ये खड़गपुर में ही सेटअप है इसका, तो शिफ्ट करेंगे अभी। जिनके डाउट्स भेजा था इन्होंने भेजे थे ना, तो ग्रुप में ही भेज सकते हो, बाकी लोग देख सकते हैं। ये है तो ये आपके जो डाउट्स हैं निखिल, किस एग्जाम के? सीएमआई वाले हैं? सर, ये सीएमआई का 2021 के पेपर में। अच्छा, सीएमआई। लाइट थोड़ी कम लग रही है ना, वहाँ ज़्यादा लाइट है, यहाँ थोड़ी सी लाइट कम है देन कंपेयर टू रांची में जो सेटअप लगा है, तो इसलिए मुझे भी लग रहा है लाइट कम है। ओके, तो 21 2021 है ना, तो इसके पीवाईक्यूज हैं। ओके, तो कहाँ से स्टार्ट करें, पहले क्वेश्चन से? चलिए, ये सर सर सबसे पहला जो 7th क्वेश्चन है उसमें उससे मेरा डाउट ये है, बाकी तो ठीक है, पर जो ए ऑप्शन है वो ए ऑप्शन गलत, मतलब वो ए ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन वो करेक्ट क्यों है, उसके डिनोमिनेटर में 15C3 क्यों नहीं आया, वो बस मेरा डाउट। चलिए ट्राई करते हैं। 15 टेलीफोन्स आर रिसीव्ड एट अ सर्विस सेंटर, ठीक है। आउट ऑफ दीज 5 आर मोबाइल, 6 आर कॉर्डलेस एंड 4 आर वायर्ड। दीज 15 फोन्स आर रैंडमली नंबर्ड फ्रॉम 1 टू 15 टू एस्टैब्लिश द ऑर्डर इन विच दे आर सर्विस्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब ये सिंपल कि टोटल, ये जो 7th क्वेश्चन है उसमें टोटल 15 डिवाइसेस हैं, 3 डिफरेंट कैटेगरी के, तो 5 मोबाइल है और 4 आपके पास, नहीं 6 कॉर्डलेस है और 4 वायर्ड है, ठीक। अब यहां पे कह रहा था प्रोबेबिलिटी अमॉन्ग द फर्स्ट 3 सर्विस्ड, द फर्स्ट एंड थर्ड आर मोबाइल एंड द सेकेंड इज नॉट। देखो, तो आप बताओ मुझे एनसीआर का मीनिंग क्या है। सो आप चाहते हो ऐसा करना, आप कैसे चाहते हो सॉल्व करना, बताओ। सर, इसको मैंने कैसे किया ना, मैंने किया सबसे पहले 5C1 into जो बाकी 10 है वो उनमें से 1 5C1 into 10C1 into 4C1। नहीं, इसने कहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड और मोबाइल, तो मोबाइल तो 5 है। यस, तो 5 5 में से 1 ले लिया, फिर जो बाकी 10 बचे उनमें से 1 ले लिया, कॉर्डलेस बाकी 10 में से 1 क्यों लिया? प्लस ठीक वायर, है, चलो 10 में से 1 लिया देन। देन जो 5 मोबाइल थे उनमें से एक चला गया तो 4C1। 1 मिनट, पहले ये समझना, आपको जो 3 ड्रॉ किए हैं उसने, 1 मिनट, क्या बोला आप, अमॉन्ग द फर्स्ट 3 सर्विस्ड, क्या वो रिपीट हो सकते हैं? हाँ, जैसे आप कह रहे हो 5C1 और यहाँ 5C1, ठीक है, मैं बताता हूँ आप क्या कर दो। आप ये सोच रहे हो ना, ऐसे सोच रहे हो आप, यस, ऊपर 4C1 होगा सर। यहाँ 4C1 कर दूँ? हाँ, मैं ये सोच रहा था, लेकिन ये गलत है। हाँ, गलत क्यों, मैं बता रहा हूँ गलत क्यों है। एनसीआर यूज कब होता है, ये कॉम्बिनेशन है या परमुटेशन है? कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपोर्टेंट होता है कि नहीं? नहीं होता है। यहां इसने क्या कहा है, इसने फिक्स कर रखे हैं। एक्चुअली ये आपको 5C1 4C1 करने की क्या जरूरत है, ये तो गलत अप्रोच है ना। इसने कहा, अगर आप ऐसे भी सोच रहे हो, तो एक्चुअली इसने कहा फर्स्ट और थर्ड जो है मोबाइल है, तो यहाँ एक्चुअली ऑर्डर इंपोर्टेंट है, ये कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये परम्यूटेशन का प्रॉब्लम है। एक्चुअली जहां पे ऑर्डर इंपोर्टेंट रहता है वो क्या होता है, परम्यूटेशन होता है, जहां ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं है वो कॉम्बिनेशन है, तो ये तो परम्यूटेशन का प्रॉब्लम है, कॉम्बिनेशन का नहीं, आप कॉम्बिनेशन से कर रहे हो, इसलिए ये गलत है। क्योंकि एक तो दो गलती है, एक तो ये भी गलत है, ये आप यूज नहीं कर सकते, दूसरी गलती यहां पे है, 5C1 4C1 लिखने के बजाय अगर ये अप्रोच सही होता, सो वी शुड राइट 5C2,
मेरे पास पांच मोबाइल में दो मोबाइल चूज करना है, क्यों मैं अलग अलग लिखूंगा 5C1 4C1, विल यूज 5C2 अगर ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं होता तो। हाँ, सो 10C1 इनटू 5C2 अपॉन 15C3। तो अगर ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होता तो हम कॉम्बिनेशन यूज करते, चूंकि परमुटेशन का क्वेश्चन है तो यहाँ ऑर्डर इंपोर्टेंट है एक्चुअली। तो उस केस में आपको क्या करना है, ये हमने बॉक्स बना लिए, बताओ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है टोटल, यहाँ के फर्स्ट जैसे 15 डिवाइसेस उसके पास आने हैं सर्विस के लिए, तो फर्स्ट पोजीशन पे कितने हैं 15 चॉइस, सेकंड पोजीशन पे 14 चॉइस एंड थर्ड पोजीशन पे 13 चॉइस। तो सैंपल स्पेस में टोटल इतने एलिमेंट हो गए 15, 14 into 13। एंड अब इवेंट की बात कर रहे हैं, तो इवेंट में इसने कहा है एक्चुअली जो इवेंट है उसमें ये है कि पहला और तीसरा क्या होगा, मोबाइल होगा। सो मोबाइल कितने पांच है, द फर्स्ट पोजीशन हैज 5 चॉइसेस, सेकंड पोजीशन हैज 4 चॉइस, क्योंकि यहां फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन ने कहा मोबाइल होगा एंड द फर्स्ट एंड द सेकंड वन इज नॉट, तो नॉट मतलब मोबाइल नहीं है, तो मोबाइल नहीं तो अलावा कितने होगा 10, सो यहां पे इनटू 10 होगा, सो ये हो गया 5 200 हो जाएगा, ये कर लो सिंपलीफाई, ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं आई थिंक, सो ये हो गया 5 into 10 into 4। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गई एक्चुअली only one of three types remain to be serviced, okay, कह रहा है कि probability that after servicing 10 of this phone, मतलब 15 total device है आपके पास, so पांच मोबाइल था, 6 कॉर्डलेस था, 4 वायर्ड था, बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि 10 डिवाइस सर्विस करने के बाद, ठीक, ओनली वन ऑफ थ्री टाइप विल रिमेन टू बी सर्विस्ड, सिर्फ एक टाइप होगा जो सर्विस नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सारे एक ही टाइप के बचेंगे, तो या तो 6 में से 5 कॉर्डलेस बचेंगे या 5 में से 5 कॉर्डलेस मोबाइल बचेंगे। हाँ, क्योंकि 10 सर्विस हुआ है ना, तो एग्जैक्टली तो उसे निकाल लो प्रायोरिटी आप। हो गया इसमें, अरे जिन लोगों के डाउट्स हैं आप ग्रुप में भेजा, आपने एक बार ग्रुप में ना बहुत सारे आए होंगे, एक ही का आया अभी अनवेश, सो अभी करता हूँ आपको क्वेश्चन एक एक करना, इनका क्या है, सो आपका क्या डाउट अनवेश इसमें क्या बोल रहा है, एक इनका क्वेश्चन देख लेते हैं। ए इज अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, ठीक है, अ सबसेट पी ऑफ ए इज चूजन एट रैंडम, तो एक सेट है जिसके पास एन एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल दिस, सो ए हैज एन एलिमेंट, अ सबसेट पी ऑफ ए इज चूजन एट रैंडम, द सेट ए इज रिकंस्ट्रक्टेड बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट ऑफ पी, अच्छा ए इज रिकंस्ट्रक्टेड बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ पी, निकालिएगा सबसेट क्यू ऑफ ए इज अगेन चूजन एट रैंडम, अच्छा बताओ, ओके, जैसे क्या कहा इसने कि ए है, इसमें से एन एलिमेंट चूज किया, वो पी में है, वापस उस एलिमेंट को ए में रखा, मतलब वो रिकंस्ट्रक्ट, मतलब वही फिर से उसमें से दूसरा सबसेट क्यू चूज किया ए में से ही, ठीक है,
मतलब ओरिजिनल ए में से दो सबसेट लिया, सो लाइक पी इज सबसेट ऑफ ए एंड क्यू इज सबसेट ऑफ ए, पी ए का सबसेट और क्यू भी ए का सबसेट है. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पी एंड क्यू हैव नो कॉमन एलिमेंट. क्या प्रोबेबिलिटी है कि पी क्यू में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा? बताओ क्या प्रॉबर्टी है कि PQ में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा? मतलब ये बोलना चाह रहा है व्हाट इज द प्रॉबर्टी है P इंटरसेक्शन Q इज एम्प्टी सेट. तो अभी एक काम करो, अभी ना जैसे जनरल क्वेश्चन करने के बजाय थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. So what you do, आप सिंपली एक छोटा सा सेट बना लो. जैसे n की जगह मैं अभी समझाने के लिए बोल देता हूँ, n मान लो 2 है फॉर एग्जाम्पल. तो मैं a मेरा हो गया अभी 1, 2, ठीक. अब आपसे अगर पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, a क्या है 1, 2, और आपसे यहाँ क्या पूछा जाएगा कि p सबसेट है a का, q सबसेट है a का. So what is the probability of P intersection Q is empty. बताओ क्या क्या choices हमारे पास है? इसने कहा नहीं कि subset P non-empty हो सकता है कि नहीं, empty हो सकता है कि नहीं, कुछ कहा ही नहीं इसने. बोलो इसकी बताओ, ये पहले अगर ये बता पाओगे तो ये easy हो जाएगा. हाँ जी है अनवेशा, इनका doubt है ये. हो कि नहीं समझ नहीं आ रहा? देखिए मैं बोल रहा हूं ए में टू एलिमेंट है ओनली, 1, 2, तो ए के पास टोटल कितने सबसेट है? ए के पास टोटल कितने सबसेट्स हैं? 4 है. सो 4 क्या क्या है? 5 सेट कंटेनिंग 1, सेट कंटेनिंग 2, सेट कंटेनिंग 1, 2. अब बताओ मुझे आप, आपको यहां से 2 एलिमेंट चूज करने हैं. सो यू हैव टू चूज, ये पावर सेट लिख दिया मैंने, ये सेट ऑफ ऑल सबसेट्स हैं. यू हैव टू चूज 2 एलिमेंट्स इस तरीके से कि उसमें कुछ भी कॉमन ना हो. सो हाउ मेनी फेवरेबल चॉइसेस मिलेंगे हमें बताओ? P सबसेट है, Q सबसेट है, तो टोटल सबसेट 4 है ना. बाकी लोग सोचिए बताओ. सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि PQ जो होगा, सो टोटल कितने एलिमेंट है इसमें से? 4 एलिमेंट है एक्चुअली. सर अगर 0 अलाउड है तो 3 1 में 3 3 / 4 3 / 2 नहीं, अगर जीरो मतलब देखो, तो अगर मैं पी इसको चूज करता हूं तो क्यू के पास कितने चॉइसेस हैं? कोई भी आ जाएगा है ना. जैसे पी कोई सबसेट है, मैं ऐसे सोचता हूं, देखो पी इज एनी सबसेट राइट. तो हम पी क्यू मुझे चूज करना है, 2 एलिमेंट इसमें चूज करना है मुझे, ठीक है. अब यहां फिर से डिपेंड करता है आप ऑर्डर या विदाउट ऑर्डर लेना चाहते हो आप. So, मैं ऑर्डर में या मान लो है ना, जस्ट 2 एलिमेंट चूज करने हैं ना, तो टोटल सबसेट कितने हैं इसके पास? ये 4 एलिमेंट है ना टोटल, इसके सेट था तो इसके पास 4 सबसेट है. वन ऑफ दिस मे बी पी एंड द अदर वन मे बी क्यू, बट इस तरह से होना चाहिए कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो. दो दो फेवरेबल. पहले बताओ पी के पास कितनी चॉइसेस है? 4 चॉइसेस है. क्यू के पास कितनी चॉइसेस है? 4 चॉइसेस है. तो यहाँ 4 × 4 तो यहाँ आ जाएगा. क्यों? क्योंकि P can be anything, Q can be anything. Sample space में total कितने element है? P is any one subset, 4 choices, Q any one. अब तुम सोचो P और Q के pair जो बनेंगे, उसमें से क्या क्या possible pair है? जैसे यहाँ पे मैं actually 4 and 4 दे रहा हूँ नहीं? या 4C 2 लूंगा, क्योंकि 4C 2 ले नहीं सकता. 4C NCR कब लेते हैं? जब without replacement हो. यहाँ हो सकता है P Q same हो, तो मतलब same भी हो सकता है ना, different होगा तब जाके 4C 2 लिखते हैं.
अब बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसके लिए। मैं पी क्यू फिक्स कर रहा हूं, चलो ऑर्डर पेयर बनाएंगे ना, 5115 5225। ठीक है, तो क्या क्या बन गए? एक तो जैसे हो सकता है कि अगर यहाँ मैं 5 रखता हूँ तो यहाँ पे तीन चॉइसेस, ये तीनों में कोई भी एक ले सकते हैं, तो ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे? जैसे 5, फिर 5 के साथ 1 आ जाएगा, 5 के साथ 2 आ सकता है, 5 के साथ 3 1 2 आ सकता है, ये बन गया 3 पेयर। ऐसे ही इसको पोजीशन चेंज भी कर सकते हो क्योंकि पी क्यू है ना, जिसके वो भी अलाउड है। फिर ऐसे ही और क्या बना सकते हैं पेयर्स हम, 1 के साथ 2 आ सकता है, तो ये एक पेयर पी क्यू लिख रहा हूँ मैं, पी क्यू क्या क्या हो सकता है, 1 के साथ 2 हो सकता है। और कुछ पॉसिबिलिटी है इसके अलावा पेयर बना पी क्यू में? मतलब इसके मैं पोजीशन चेंज कर दूंगा, ठीक है वो तो हो जाएगा। हाँ तो 5 और 5 भी तो होगा, 5 और 5 क्योंकि 5 और 5 क्या है, डिसजॉइंट है। यस, बाकी लेंगे तो एम्प्टी आ जाएगा, 5 5 चलेगा। यस, और इसका बाकी पोजीशन है ना, जैसे 5 1 1 5 हो सकता है क्योंकि पी क्यू चेंज हो सकता है ना, 5 2 2 5 5 5 1 2 और क्या 1 2 था ना, 5 1 2 1 3 इस तरह से, तो 2 4 6 8 9, तो वैसे तो 9 बन गए, तो टोटल 9 पेयर आउट ऑफ 16। अब इसको रिलेट करना है, हाउ कैन यू रिलेट, कि कितने कैसे बनाओगे, अब इसी को जनरलाइज करना है एक्चुअली। हाँ जी, इनमें से ये समझ आया क्या किया मैंने? या क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, जैसे आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो, सीखने का एक ही तरीका है कि आप क्वेश्चन पूछो, पूछोगे तो रिप्लाई मिलेगा, समझ आएगा, नहीं समझ आएगा, नहीं समझ आया फिर पूछो, ये चीज है। नहीं पूछोगे सिर्फ सॉल्यूशन रट्टा मारने से नहीं होगा, चीजें दिमाग में पैटर्न फिट होनी चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट या क्या अप्रोच है वो आपको समझना पड़ेगा। सो द थिंग इज, हमने एक ए दिया, उसके सारे सबसेट लिख दिए, सो पी हैज 4 चॉइसेस, एनी वन ऑफ देम कैन बी पी, क्यू हैज 4 चॉइसेस, एनी वन ऑफ देम कैन बी क्यू। अब मैं देख रहा हूँ फेवरेबल चॉइसेस क्या है पी क्यू का, तो पी कैन बी एम्प्टी और क्यू कैन बी 1 और वाइस वर्सा, इसको चेंज कर लो, 2 एलिमेंट यहाँ मिल गए, एंड सो ऑन, ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे। सेम चीज अब आपको एन के साथ करना है, सो यू हैव टू काउंट देयर, तो यहाँ अगर आप देखोगे, सो यू काउंट देयर, एक तो मैंने यहाँ का 2 की पावर एन इन टू 2 की पावर एन, एक तो ये आ गया 2 की पावर एन, क्यों, अगर ए में एन एलिमेंट है तो इसके पास 2 की पावर एन सबसेट्स होंगे। अब आपको सोचना है पी क्यू क्या ले सकते हैं, देखो था 5 के साथ, कि 5 के साथ आप आगे कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, तो कितने होंगे वो, जैसे यहाँ पे 5 के साथ आया था 1 2 1 3 आ गए थे, तो 5 के साथ एक्चुअली टोटल लिखोगे अगर ए पी 5 है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ 2 की पावर एन माइनस 1 है ना, 5 के साथ बाकी सब 5 ही आ सकता था, टोटल 2 की पावर 5 5 भी तो आ सकता है। यस, तो इस तरह सारे कॉम्बिनेशन आपको बनाने पड़ेंगे, कि व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस दैट यू कैन मेक। तो देखो अभी सर 2 के लिए किया, यही काम आप 3 के लिए करो, सेम थिंग यू डू फॉर 3 4, तो उससे एक आपको पैटर्न मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा क्या हो रहा है, देन यू कैन डायरेक्टली राइट फॉर n, क्योंकि डायरेक्टली आपको नहीं पता चलेगा n के टर्म में क्या बन रहा है, लेकिन यहां से आपको एक आइडिया मिलेगा कि यहां 4 क्यों आया, तो 4 टोटल नंबर ऑफ सबसेट था, 2 की पावर 2 था, जब यहां 3 सेट लूंगा a में 1 2 3 लूंगा, तो यहां पे टोटल सबसेट 2 की पावर 3 8 होंगी, तो यहां 8 * 8 आएगा, इस तरीके से है। तो मतलब आप इस तरह थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, 2 के लिए मैंने किया आंसर ये आया 9/16 आ गया, 3 के लिए करूंगा ऐसे ही आंसर आ जाएगा, 4 के लिए करूंगा, फिर आपको एक पैटर्न मिलेगा, उस कॉन्सेप्ट पे ये अप्लाई करो, फिर एंटर डाउन में आ जाएगा, तो आप ट्राई करके देखो, ठीक है ना, अगर समझ आया तो यू कैन ट्राई दिस वे। हाँ जी, तो अगला किनका डाउट है ये? ठीक है, एक मैं निकला क्वेश्चन करता हूँ फिर मैं आता हूँ इधर। हाँ, सो रुको, बाकी कहाँ है तुम्हारा भाई? हाँ, सेकंड अगले क्वेश्चन में क्या डाउट है भाई निखिल, बताओ। वो तो सर बिल्कुल समझ नहीं आया कि मतलब वो कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12।
सो ये कह रहा है कि देयर आर 10^10 फंक्शंस, देयर आर 10^10 फंक्शंस फ्रॉम दिस टू दिस। सो मतलब f, आपको पता है f फ्रॉम a टू b है, सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b का फार्मूला क्या होता है? आपके पास यहाँ पे देखिए ना कि f जो फंक्शन है 1 to 10 से लेके 1 to 10 तक है, यही है ना, 1 to 10 तक, अप टू 1 to 10 है। और कहते हैं पिक वन सच फंक्शन एट रैंडम, टोटल 10^10 फंक्शन है, एक फंक्शन आप चूज करो एट रैंडम, पी वन बी द प्रोबेबिलिटी दैट एफ इनवर्स 3 हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स। मतलब ये कुछ ऐसा है कि यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, 1 2 3 अप टू 10, इसको मान लो मैं ऐसा बना दूं, ठीक है, इस तरह से है। तो कहना चाह रहा है कि P1 प्रोबेबिलिटी दैट F इनवर्स 3 हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट। F इनवर्स 3 क्या होता है? कि 3 का जो प्री इमेज है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, है ना, इन चार एलिमेंट का एक ही इमेज है, ये फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So F inverse 3 means 3 has the 4 inverse images. तो कह रहा है कि F inverse P1 probability F inverse 3 has exactly 4 images. And P2 probability F inverse 2 has exactly 6 element. अच्छा P2 कह रहा है कि F inverse 2 के पास जो है exactly 6 inverse images हैं. For example है, अलग हो सकता है P2. जो P1 है, P2 अलग तब बना लो इस तरह से. ये 2 है ना, 6 मान लो इसके पास इनवर्स इमेज है, 4 5 6 7, ये इस तरह से मान लो है 9 तक, तो 6 इनवर्स इमेज इसके पास एक्चुअली 4 5 5 से लेकर 10 तक मान सकते हो, ये 9 तक, मतलब 6 इनवर्स इमेजेस हैं, ऐसा बना दे 4 से 9 तक। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, अब बताना है आपको कि P1 P2 में क्या रिलेशन है। ये मतलब है कि देखो फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, कि डोमेन के ईच एलिमेंट के पास इमेज होगा, ये डेफिनेशन है फंक्शन का। सो ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन विथ हैव अ यूनिक इमेज एक्चुअली, है ना, तो ऐसे कितने फंक्शन होंगे जहां पे 4 एलिमेंट्स का एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स का इमेज 3 होगा, ऐसे कितने फंक्शंस होंगे, क्वेश्चन ये है। मतलब जो P1 होगा ना, ये 10^10 तो है, अब यहाँ ढूंढना है कितना, P2 वही है, 10^10 तो ठीक है, ऐसे कितने फंक्शंस हैं कि 2 के पास 6 इनवर्स इमेज है और 3 के पास 4 इनवर्स इमेज है। अब ऐसे सोचते हैं देखो, तो 1 2 3 4 तो फिक्स हो चुका है 3 पे, ठीक है, अब आपको सोचना है इस 5 के पास कितने चॉइसेस हैं, इस 5 के पास कितने चॉइसेस हैं ना, अब 9 चॉइस है, 6 के पास कितनी चॉइस होंगी, नहीं चलिए जरूरी नहीं है कि फंक्शन 3 अटेंड नहीं कर सकता, बाकी तो रिपीट कर ही सकता है, कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि इससे क्वेश्चन है क्या, F inverse 3 पास एक्जेक्टली 4 एलिमेंट है, तो मतलब ये जो 4 एलिमेंट है विल ओनली मैप टू 3, इट विल नॉट मैप टू एनी अदर। सो 5 के पास 9 है, 6 के पास भी 9 है, 7 के पास भी 9 है, 8 के पास भी 9 चॉइस है, 9 के पास भी 9 चॉइस है, 10 के पास भी
9 चॉइस है, इतने फंक्शंस बनेंगे एक्चुअली। बट तो एक बार में क्या किया है, अभी मैंने फिक्स कर रखा है 1 2 3 4 ही 3 पे जा रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि 7 8 9 10 3 पे जा रहा हो। Yes. इसने ये नहीं कहा 1 2 3 4 ही है, क्वेश्चन ने कहा एग्जैक्टली 4 इनवर्स इमेज है, तो 4 कोई भी हो सकता है इनमें से, तो मुझे 10 में से 4 चूज करना पड़ेगा। कितना तरीका होगा, 10C4। पहले तो मैंने 10 में से 4 एलिमेंट चूज कर लिए, कौन से 4 एलिमेंट है जो 3 को मैप करेगा, बाकी एलिमेंट फ्री है एनी 9 को मैप करने को। नाउ कम सेम थिंग हियर, अब इसको मैं ठीक से बना देता हूं। सो टू के पास 6 इनवर्स इमेजेज होंगे, इसने फिक्स कर रखा है, ठीक है। अब बताओ 7 के पास कितने चॉइस है, 7 के पास 9 चॉइस है, 7 के पास 9 चॉइस नहीं, हाँ 9 चॉइस, यस। 8 के पास 9 चॉइस है, 9 के पास 9 चॉइस है, 10 के पास 9 चॉइस है। अब बताओ, फिर से मैं कह रहा हूँ ये 6 हमने फिक्स किया है, एनी 6 आउट ऑफ दिस कैन मैप टू 3, मैप टू 2, तो कितने होंगे, 10 में से हम क्या चूज कर लेंगे 6, और 10C4 10C6 सेम ही होता है एक्चुअली, तो आपको बस ये देखना है कि दिस एंड दिस इनमें से कौन सा लार्जर है। तो ये कितना हो गया, 10C4 into 9 की पावर 6 हो गया, और ये हो गया 10C4, क्योंकि 10C6 is same as 10C4, 10C4 और 9 की पावर 4 हो गया, तो 9 की पावर 6 और 9 की पावर 4 में कौन सा ज्यादा है, 9 की पावर 6 कंपेयर कर लेंगे ना आप, तो यहां 9 की पावर 6 है, 10C4 into 9 की पावर 6, और ये 10C4 9 की पावर 4, तो क्या हो गया यहाँ पे, P1 is greater than P2, हाँ yes sir वो करेक्ट है, और 3:2 और A और T करेक्ट है, वो सही सही एग्जैक्ट यही लगे। हाँ हाँ, आगे क्या है, तभी हमने क्या आपने देखा है, हमने P1 P2 का रिलेशन देखा है, और बाकी D तो वही बन सेम ही चीज हो जाएगा, समझ आएगा, देख लो yes yes वो ये सही है सर, सही ठीक है ना, ठीक। और किसी का डाउट रह गया, कोई है जिनका डाउट जिन्होंने भेजा हो, अल्टरनेटिव भी सॉल्व करें उसका एक उसका, ये किनका डाउट है, ये 4 फेयर ऑफ राइस वाला है, जी शशांक, हाँ 4 फेयर डाइस D1 D2 D4 ईच हैविंग 6 फेसेस आर नंबर्ड 1 2 3 4 5 6 आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो कह रहा है कि 4 डाइस है, सब पे 1 से 6 लेवल है, एक साथ फेंका हमने, तो सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम हो जाएगा 6 की पावर 4, है ना, ईच डाई हैव 6 आउटकम, द प्रोबेबिलिटी दैट D4 शोज अ नंबर अपीयरिंग ऑन वन ऑफ द D1 D2 D3, अब कह रहा क्या प्रोबेबिलिटी है कि D4 वही शो कर रहा है जो वन ऑफ द, तो वन ऑफ का मतलब एटलीस्ट वन ऑफ होता है ना, वरना एग्जैक्टली वन ऑफ लिखा होता, इसने कहा है वन ऑफ, तो एनी वन ऑफ एक्चुअली हो गया एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। बताओ चलो मान लो D1 पे 1 आ गया एग्जांपल के लिए, ठीक है मैंने फिक्स कर दिया 1 आ गया, सो क्या प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ द 3 डाइस विल शो 1, सो काउंट कर सकते हैं, सो तो काउंट भी कर सकते ना, तो एक काम करो ना, प्रोबेबिलिटी है D1 और D2 और D3 will show 1, ये मतलब है ना, हमने D1 को 1 फिक्स कर दिया, तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है आपसे कि D2 D3 D4 में से कोई एक वही नंबर शो करेगा जो D1 शो कर रहा है, इसी की आप प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ ये
यस यस वन ऑफ मतलब एटलीस्ट वन ऑफ, वरना एग्जैक्टली वन ऑफ लिखा होता। तो वन माइनस क्या करेंगे, डी वन डी टू डी थ्री कोई भी शो नहीं कर रहा वन, ये कर लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ फिर, तो कोई भी नहीं शो कर रहा है वन, तो यहाँ पे फाइव आउट सिक्स हो सकता है, फाइव आउट ऑफ सिक्स हो सकता है, फाइव आउट ऑफ सिक्स हो सकता है। Neither this shows one nor this, कोई भी one show नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ना खड़गपुर में ये दिक्कत है, ये गांव है, गांव में कभी गीत हो रहे होते कभी कुछ हो रहे होते हैं। तो so यहाँ पे वन माइनस कितना आगे सिंप्लीफाई कर लो, घटाओ इसको, तो वन नाइन हो गया, 91 अपॉन 216 आ गया। तो सिर्फ मैंने ये निकाला है कि अगर D1 पे 1 आया तो इन तीनों में से वन ऑफ द डाइस आउट ऑफ D2, D3, D4 विल शो वन ओनली। बट यहां जरूर से क्वेश्चन, अरे कहां गया, खुल गया क्या, हाँ। सो जरूरी थोड़ी है कि यहां पे 1 ही आएगा, यहां क्या क्या आ सकता है, कितने केसेस हैं, अभी एक केस मैंने सॉल्व किया है, ऐसे कितने केसेस पॉसिबल है। अरे वन के प्लस में टू हो सकता है, टू के वन के प्लस में थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, सिक्स, कितने केस हो गए, टोटल सिक्स केस, सिक्स टाइम कर दो तो ये आंसर होना चाहिए। अब देख लो आंसर क्या है, वरना फिर सोचते हैं, ये दो सही ना, सिक्स 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 सही ना, ये कैसे हो सकता है, एक मिनट, ये तो गड़बड़ है कुछ, इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ किया है। अच्छा ये आंसर दे रखा है एक मिनट, लेकिन हमने तो, अच्छा बाद में उसको भी तो, ओ ओके, अगर वैसा करेंगे ना तो सैंपल स्पेस में भी तो सिक्स में इंक्लूड करना पड़ेगा। रुको एक मिनट, यहाँ पे अगर मैं करूंगा मल्टीप्लाई अभी वाला, क्योंकि न्यूमरेटर में कर रहा हूँ ना, तो डिनोमिनेटर में भी सेम करना पड़ेगा फिर, हाँ क्योंकि हमने वन फिक्स कर दिया, तो वन की प्रॉबर्टी लिखनी पड़ेगी ना, लेकिन तो इसकी प्रॉबर्टी पड़ेगी वैसे लिखेंगे तो, रुको मैं तो उसमें काउंट कर रहा था, तो सिक्स टाइम करोगे तो वन बाई सिक्स इसका भी हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ बाहर वो कर, वैसा सोचेंगे तो बाहर हम ये कर सकते हैं ना, क्योंकि मैंने यहाँ बाहर 1 बाई 6 नहीं लिया ना, तो अगर मैं 6 मल्टीप्लाई करना चाहूंगा तो D1 पे 1 आया एंड बाकी पे दिस विल शो 1, एटलीस्ट वन ऑफ देम शो 1, तो वैसा सोच सकते हैं। और तो ये यहाँ फिर 1 बाई 6 एक और आ जाएगा, और बाद में चूंकि मैं 1 की जगह 2 भी कर सकता हूँ, तो 1 की जगह 2 हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये फिक्स करना पड़ेगा ना, यहाँ 1 अगर लिया है मैंने तो मुझे यहाँ फिक्स करना पड़ेगा कि यहाँ 1 है। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ऑन द फर्स्ट डाई एंड देन एटलीस्ट वन ऑफ द डी वन डी टू डी थ्री डी फोर विल शो 1, सो ये प्रोबेबिलिटी निकाल दिया मैंने। तो मतलब या तो मल्टीप्लाई करो इसको या नहीं करना, तो वैसे ही आंसर आ गया कि जो नंबर यहाँ फिक्स किया मैंने वही नंबर यहाँ आ गया, या वैसे करना है तो ये आ जाएगा फिर। तो जो मैं कर रहा था 91 अपॉन 216 इनटू 1 बाय 6 और इनटू 6 करना पड़ेगा फिर 2 के लिए, तो 6 केसेस बनाएंगे तो एग्जैक्टली 1 के लिए आंसर आया, बिकॉज दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ऑन द फर्स्ट डाई, ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये अप्रोच समझ आया क्या किया मैंने, ठीक है। हाँ नेक्स्ट भैया, चलो निखिल तुम्हारा एक क्वेश्चन देखते हैं, तो थर्ड में क्या डाउट है आपका, वी ड्रॉ टू रोज ऑफ एन पॉइंट्स विथ लेबल्स 1 to n, ठीक है, एज शोन इन द फिगर बिलो, वी कनेक्ट ईच पॉइंट on the top with a point on the bottom at random, making sure that no two points on the top are connected to the
same point on the bottom. Okay. We say a point J on the top is special if it gets connected to the point J below. अच्छा. So X be the number of special points. So what is the expectation of X? ठीक है. कहना ही जा रहा कि we draw two. तुम्हारे पास इस तरह से है. और हमें क्या करना है? देखो यहाँ. मान लो ये one, two, three up to n. फिर यहाँ one, two, three, three up to n. इस तरह से है. तो पहला one से है, दूसरा one से n है. And we connect each point on the top with a point on the bottom at random. तो इसमें से किसी भी एक पॉइंट को किसी एक पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं. सो व्हाट इज द परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स? परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कितना होता है? एन फैक्टोरियल ना. तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी यहाँ पे? मतलब लाइक है ना, वन हैज टोटल एन चॉइसेस, टू हैज एन माइनस वन चॉइस. क्योंकि रिपीट नहीं करना ना. देखो, we connect each point on the top with a point on the bottom at random, making sure that no two point on the top are connected to same. मतलब repeat नहीं करना है ना. It is like वैसा हो गया कि matching problem type का भी सोच सकते हैं. ठीक है. अपने को चाहिए expectation basically इसकी जो के fixed point है वो technically जो आपने कल बताया fixed point है वो one yes. maps to one, two maps to two, three maps to नंबर ऑफ स्पेशल पॉइंट्स. यस. देखो एक्चुअली मैचिंग प्रॉब्लम वही कह रहा हूं. देखो समझो, देयर आर एन लेटर्स, देयर आर एन एनवेलप्स. सो यू आर पुटिंग ईच लेटर टू ईच एनवेलप एट रैंडम. सो द लेटर विल बी स्पेशल इफ इट गोज इनटू द सेम एनवेलप. मतलब फर्स्ट लेटर है और अगर वो फर्स्ट लेटर में गया, मतलब लेटर भी लेबल्ड है और एनवेलप भी लेबल्ड है. ठीक. तो पहला लेटर अगर पहले एनवेलप में जाता है तो वह स्पेशल होगा. इस क्वेश्चन से मैं कनेक्ट कर रहा हूं इसको. तो ये समझो पहला लेटर्स हैं और ये एनवेलप्स हैं. सो ये एक मैचिंग प्रॉब्लम है और ये बहुत इजी हो गया. आपको याद है कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था किसी बैच में के मैचिंग का, ये पता है आपको? जैसे ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारे रियल लाइफ में या अभी आप प्रोसेस में प्रिपरेशन में मिलेगा, वो आपको याद दिलाता हूं. जैसे जैम में आए थे क्वेश्चन, जैम 2022 में, 2023 में शायद, जैम 2023 में आया था कि पांच फ्रेंड होटल में गए, उन्होंने रैंडमली पांच डिश ऑर्डर किए अपने चॉइस के, वेटर सर्व्स रैंडमली. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम गेट द राइट डिश और द डिश ही ऑर्डर्ड. ये जैम 2023 का क्वेश्चन है. तो वहां पे क्या होता है, पांच लोग हैं, इनकी वैल्यू पांच है, फाइव पर्सन है, फाइव डिशेस है. So exactly one of them will get the right dish. तो मतलब one matching का formula पूछ रहा है. यहाँ n object है, तो k matching का formula याद आप जैसे search matching problem, उससे हो जाएगा, easy है. matching problem ही पूछ रहा है actually. तो इसका formula है one upon k factorial summation r from 0 to n minus k minus 1 की power r upon r factorial. तो जो आप पूछ रहे हो ना कि मैं PMF लिख दिया actually, x बराबर k is this one actually. आपके पास PMF आ गया, तो कैन यू फाइंड एक्सपेक्टेशंस? अगर PMF आपको दे दिया, K क्या हो सकता है? K can take 0, 1, 2, up to n. हो सकता है एक भी मैच ना करे, एक मैच कर सकता है, टू मैच कर सकता है, थ्री मैच कर सकता है, n के n मैच कर सकता है ना? सर इसमें इसमें एक अप्रोच ऐसी हो सकती है कि one will match one की probability है one by one will match one. The probability one by n होगी. Two will match two की probability भी one by n होगी. नहीं, पर बाकी का क्या है? आप सिर्फ one के बारे में सोच रहे हो. What about others? Two की भी तो one by n होगी. Two gives two is also one by n. सबकी one by n होगी. तो x p of x का sum कर दे, तो वो one. नहीं नहीं नहीं, गलत approach है. Actually, you don't, you cannot think separately. You have to think together. मैं बता रहा हूँ, देखो. इसमें आप x क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x इन द क्वेश्चन? क्या बोला है? नंबर ऑफ स्पेशल पॉइंट. तो पहले तो मुझे आप सपोर्ट बताओ, अगर आपको ये क्लियर है तो सपोर्ट बताओ इसका क्या होगा, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, हाउ मेनी स्पेशल पॉइंट्स कैन बी देयर? n स्पेशल नहीं, n क्यों होगा, हो सकता है एक भी ना हो.
अरे भाई रैंडमली एन को मान लो वन को टू से, टू को थ्री से, थ्री को फोर से, ऐसे किसी को किसी से मैच कर रहे हैं, तो कुछ भी तो हो सकता है कि एक भी मैच ना करे, भी तो हो सकता है, हो सकता है एक भी मैच ना करे जीरो, हो सकता है एग्जैक्टली वन मैच करे, ये इससे होगा, इससे ये इससे, ऐसे करके चलता रहे, किसी से कोई मैच ना करे, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है टू मैच करे कि थ्री थ्री से मैच कर गया, वन वन से, बाकी अपना बाकी से मैच से, सो राइट। हो सकता है नो मैचिंग हो, वन मैचिंग हो, टू मैच, ये वैसे सोचो ना, अभी आप सब समझ नहीं पाए मुझे लग रहा है, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली। सिंपल ये इनवेलप और लेटर का प्रॉब्लम है, बोल रहा हूँ कि जैसे तुम्हें ऐसा नहीं कि एक ही लेटर पुट करना है इनवेलप में, यू हैव टू पुट ऑल टूगेदर, एक साथ एन के एन लेटर को एन इनवेलप में रखना है। अब सोचना है कितने इनवेलप में राइट लेटर प्लेस हुए, तो कुछ भी हो सकता है कि मे बी एक भी लेटर राइट इनवेलप में प्लेस ना हो, मे बी, हो सकता है एग्जैक्टली वन लेटर इज प्लेस्ड, मे बी एग्जैक्टली टू लेटर इज प्लेस्ड करेक्टली, और मे बी ऑल लेटर्स आर प्लेस्ड करेक्टली, देयर आर पॉसिबिलिटीज। सो दिस इज अ फॉर्मूला, अगर आपको ये डिराइव करना है इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ये ए यूनियन बी यूनियन सी के फॉर्मूले से आता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फॉर्मूला उससे आता है ये, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ, उसकी वजह अलग है, ठीक है, मैं ही सपोज से करा, उनके हिसाब से सोचोगे आप, चलो वैसे सोचते हैं। लेकिन आप सही कह रहे हो, वो नहीं तो लास्ट स्टेप है, वो हो सकता आंसर सही भी हो, क्योंकि वो बहुत आगे देते, हमें तो स्टार्ट करना होगा ना, हाउ टू स्टार्ट ये देखना पड़ेगा। सो तो सीधा एम ऐसा कैसे हो जाएगा, मतलब उसने सीधा से लिख दिया ई एक्स बराबर क्या लिख दिया, एन इनटू वन बाय एन, बस वन। ये वन बाय एन क्या है, ये एन क्या है, नहीं नहीं ये दिस इज लेकिन अरे मींस व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस, हमारे पास अगर सपोर्ट 0 टू n है तो एक्सपेक्टेशन हम कैसे निकालते हैं, समेशन xi pi ना, सो यू शुड राइट 0 इनटू प्रोबेबिलिटी एट 0 प्लस 1 इनटू प्रोबेबिलिटी एट 1 प्लस 2 इनटू प्रोबेबिलिटी एट 2। हां तो वो तो सॉल्यूशन उन्होंने दिया आपने तरीके से, बट यू शुड सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करके देखो क्या आता है। मेरे हिसाब से तो ये ऐसे नहीं हो, 1 इनटू 1 बाय n प्लस 2 इनटू 1 बाय n प्लस 3 इनटू 1 बाय n अप टू n इनटू 1 बाय n, तो n इनटू n प्लस 1 बाय 2 इनटू 1 बाय n, तो n प्लस 1 बाय 2 होगा इसकी एक्सपेक्टेशन। नहीं नहीं, हाउ आर यू श्योर कि ईच सब सबकी प्रोबेबिलिटी 1 बाय n ही है, तुम्हें कैसे पता सबकी प्रोबेबिलिटी 1 बाय n है, प्रोबेबिलिटी तो 1 बाय n ही होगी ना, क्योंकि नहीं नहीं मैं तुम्हें x बराबर n की प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाता हूँ, चलो x बराबर n की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, x is equal to n की क्या प्रोबेबिलिटी है, n matching all matches to each other, so 1 will match to 1, 2 will match, उसी को चेंज नहीं कर सकते आप, तो ये हो गया लाइक 0 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, तो इसका आंसर तो 1 by n फैक्टोरियल एक्चुअली इसकी प्रोबेबिलिटी। टोटल n ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज, there will be just one position 1 2 3 up to n, there will just one, this is this। ab main tumse ek ye nikal ke dikhata hu main, there is no matching, what is the probability of there is no matching, ek bhi match nahi karega, n-1 into n-1 factorial, नहीं
जीरो मैचिंग है ना, देर विल नॉट बी एनी मैच। तो अगर मैं A1 मान लूँ कि फर्स्ट मैचेस टू फर्स्ट, A2 मान लूँ टू मैचेस टू टू एंड सो ऑन, An मान लूँ n मैचेस टू n, इस तरह इवेंट डिफाइन कर दिया। A1 मीन्स वन मैचेस टू वन, मतलब इवेंट डिफाइन कर रहा हूँ। A1 का मतलब कि वन मैचेस विथ वन, A2 इवेंट है टू मैचेस विथ टू एंड सो ऑन, An एक इवेंट है n मैच विथ n। तो अभी इसके टर्म में अगर मैं इसको लिखता x बराबर n को, तो इन सब का इंटरसेक्शन था, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन अप टू An, सो इंटरसेक्शन था। हाँ, अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या होगा, A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन An कॉम्प्लीमेंट, एक्चुअली ये है। और इसको मैं लिखता सो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन An, ये था। You should not think like ये कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे का, नहीं है कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे का। So इसको 1 माइनस क्या कर सकता हूं मैं, इस पूरे कॉम्प्लीमेंट और इसी तरीके से प्रूफ भी आता है, जो मैचिंग फॉर्मूला है उसका प्रूफ भी इसी तरीके से आता है। मैं तुम्हें 0 के लिए बताया, n के लिए बताया, मैं 0 के लिए बता रहा हूं, 1 के लिए भी निकाल सकते हैं। सो 1 माइनस, अब यहां इसको खोल सकते हो, इसका फॉर्मूला पता है तुम्हें, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ a1 a2 an अप टू an, पढ़ा होगा ना फॉर्मूला तुमने, समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ai's माइनस पहले 1 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम, 4 एट अ टाइम एंड सो ऑन अप टू n एट अ टाइम। चलता रहेगा लास्ट तक, है ना। सो 1 माइनस, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ai मतलब एक कोई i से मैच करेगा, एग्जैक्टली 1, मैं एग्जैक्टली 1 की बात कर रहा हूं। तो यहां मतलब एग्जैक्टली 1 विल मैच, नॉट एग्जैक्टली कि AI will map to AI, ये श्योर है। तो उसकी क्या प्रॉब्लम, बाकी कुछ भी हो मुझे पता नहीं। तो ये हो जाएगा NC1 into एक मैच कर रहा था, बाकी किसी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सो बाकी को मैं अरेंज कर सकता हूँ N-1 factorial, total N factorial था, ये होगा, ये मैंने एक को मैच कराया है, ठीक है ना, we just matched one only, एक को मैच कराया मैंने, देखो तो वन मैचिंग का। अच्छा तो ये शायद 1/n तुम सोच रहे थे, ये 1/n आएगा ना, तो एग्जैक्टली वन मैचिंग मतलब जस्ट वन मैचिंग ना। यहाँ NC2 मैच करेगा, सो n माइनस टू कैन बी अरेंज्ड इन एनी वेज अपॉन n फैक्टोरियल, ये चलता रहेगा। NC3 जो मैं कर रहा हूँ ना, इस तरह क्वेश्चन वीके राजगी वाली बुक में एग्जांपल में है, पहले चैप्टर में ही, वहां देख सकते हो, या कहीं भी मैचिंग प्रॉब्लम देखोगे समझ आ जाएगा, गुप्ता कपूर में भी है मैचिंग प्रॉब्लम। सो लास्ट में जो होगा 2 तो इवन माइनस है, n अगर इवन है तो, और n के n मैच कर गया तो सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो ये कट जाएगा। सो 1 - 1 + 1/2 फैक्टोरियल ये आएगा, चेक कर लो। -1/3 फैक्टोरियल +1/4 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू -1^n 1/n फैक्टोरियल। तो ये एक्चुअली मैंने डिराइव करके बताया आपको प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, नो ये काट सकते हो आप चाहो तो, इसको कैंसिल कर सकते हो। सो दिस इज अ फार्मूला ऑफ नो मैचिंग, एग्जैक्ट फिर आपको 1 मैचिंग का निकालना होगा, 2 मैचिंग, 3 मैचिंग एंड सो ऑन। तो स्पेशल पॉइंट इज अ मैचिंग एक्चुअली, हाउ मेनी मैचिंग्स आर देयर, तो इसको यूज करो, सिंपलीफाई करो, आंसर हो सकता है सेम आए, हो सकता है कि आंसर 1 ही आ रहा हो, लेकिन यूज दिस PMF, ये PMF है, इसको सिंपलीफाई करो। और तुम्हें अगर सरप्राइज हो, देखो मैं यहां पे अगर पुट करूंगा ना k को 0, तो वही मिलेगा जो पहले मैंने लिखा है, अगर मैं 0 रखूंगा तो 1 ही हो जाएगा,
एक मिनट ये रह गया ना, इसको एक्सपैंड करो, इसको एक्सपैंड करोगे तो वही मिलेगा जो हमने अभी इधर डिराइव किया है। तो मैंने एक्चुअली इसका प्रूफ लिख दिया तुम्हें x बराबर 0 का, और यहां से तुम देख के को 0 रखोगे जो आया ना, ये वही चीज है। तुम देख लो चाहे 1 माइनस 1 ये चीज है, ठीक है। इसको यूज करो, आगे बढ़ता हूँ। पीएमएफ दे दिया, उसको यूज करो। अगला किनका डाउट है, एक मिनट आता हूँ दूसरे ग्रुप में ना। सो हाँ जी सशांत, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना। सो क्या बोल रहा है कि इफ द इंटीजर्स m एंड n आर चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 एंड 100, ओके। क्या बोल रहा है, तुमने एक इंटीजर, दो इंटीजर mn चूज किया 1 और 100 के बीच, ठीक। देन क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर ऑफ द फॉर्म, डिविजिबल बाय 5 है ना, फाइव टाइम सम नंबर, मान लो फाइव टाइम के, जहां के कोई इंटीजर है। तो सोचो भाई mn क्या हो सकता है, 1 से 100 तक कुछ भी हो सकता है, इसने कहा नहीं है सेम होगा। इंटीजर्स mn आर चूजन एट रैंडम बिटवीन दिस एंड दिस एट रैंडम, दो एक साथ चूज किया ना, तो डिफरेंट ही होगा, सेम तो होगा नहीं क्योंकि हाँ हाँ 100C2 हो गया। अब तुम सोचो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, तुम्हें पता है कि 7 की पावर m की हमेशा लास्ट डिजिट क्या आएगी, क्या क्या आएगी, पूछ रहा हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। और कोई पॉसिबिलिटी है? So, ये n डिजिट है, और कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है? हाँ, तो सोचो यहाँ पे एंड में 5 या 0 कब पॉसिबल है, मतलब सोचो। हाँ सम में एंड में 5 या 0 हो जाए, सम की बात कर रहे हैं, सम नहीं हो सकता। अगर यहाँ 9 आ जाए, यहाँ 1 आ जाए, तो 10 ही हो जाएगा, 10 ही। और कोई पॉसिबिलिटी है वहां बताओ, 7-3 हो सकता है, ये हो सकता है ना। तो 7-3 एंड में आ जाए, 9-1 आ जाए, तो काम हो जाएगा। अब बताओ तुम ये बताओ कि ऐसे क्या क्या नंबर लोगे, हाँ, जहां पे एंड में 9 आ जाएगा, कितने पॉसिबिलिटी है एम की, एम क्या क्या लोगे तो 9 हो जाएगी। ये भाई तुम्हें कुछ समझ आ रहा है, कुछ पूछ रहा हूं जो मैं, एम यहां क्या रखूंगा तो 9 आएगी, क्या क्या रखूंगा, एम हो सकता है 1 से 100 तक कुछ भी, तो क्या क्या रखूंगा मैं, और क्या पॉसिबिलिटी 2 के बाद, फोर रखेंगे तो क्या होगा, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, 4-4 के गैप पे आएगा ना, वही तो तुम्हें समझना है। अब जो सोच पाओगे तभी तो खुद से कभी कर पाओगे, अगर तुम ये सोच नहीं पाओगे जो मैं पूछ रहा हूँ, तो खुद से कभी कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चन तुम,
अगर मेरे साथ तुम कोऑर्डिनेट करके तुम सोचोगे सॉल्व कर दो मैं रट्टा मार दूंगा, नहीं हुआ ना। तुम्हें जब पूछ रहा हूँ तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज तुम अकेले करो तभी तुम्हें सोचना पड़ेगा जो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, और ये नहीं सोच पाओगे तभी सॉल्व नहीं होगा ये चीज है। तो एम की पॉसिबिलिटी क्या, चार चार गैप पे आ रहा है, देखो यहाँ पे टू है, सिक्स है, टेन है, इस तरह से आएगा, क्योंकि टू पे, थ्री पे, फोर पे, फाइव पे, सिक्स पे वापस ये आ जाएगा, चलता रहेगा। एक मिनट, जीरो, फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, हाँ ऐसे चलता रहेगा। तो इस तरह चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा, हंड्रेड से पहले क्या आएगी, क्या नंबर आएगा हंड्रेड से पहले वाला, इससे ये फोर एम प्लस टू चल रहा है ना, तो 98 तक जाएगा। तो ये M के पास ये choices है अभी, अब इसके corresponding N की क्या choice होगी ये बताओ। वन कब जनरेट होगा भाई, वन कब कब आएगा, तो यहां पे वन टू थ्री फोर बोला था ना, फोर फिर एट ट्वेल्व, कहां तक जाएगा, कितने हैं ये टोटल कितने नंबर है और ये कितने नंबर्स हैं टोटल, ये कितने हैं मेरे भाई काउंट कर दो, तो ऐसे ही इजी है। टू सिक्स टेन, ये कितना है, ये भी 25, ये भी 25 है ना, ठीक है। तो M के पास 25 choices है, तो इस केस में मेरे पास क्या आंसर आ गया, 25 into 25, ये पॉसिबिलिटी है, और अपॉन में कितना था, ये तो ऐसे करना चाहिए 100 into 99, ऑर्डर में कर दूं, विथ ऑर्डर कर रहे हैं, विदाउट ऑर्डर कर रहे हैं, विथ ऑर्डर कर रहे हैं ना यहाँ, क्योंकि सो ऐसा कर लो 100 into 99 कर लो। चलो मैं 100 C2 नहीं ले रहा हूँ, C2 में क्या होगा देन ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं रह जाएगा, तो उसके लिए अगर 100 C2 लोगे तो ये दोनों केस एक ही बन जाएगा। मैं ये बोलना चाहूँ अगर तुम यहाँ 100 C2 लिखते हो सो मीन्स ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो उस केस में यहाँ तुम्हें, तो इन दोनों केस का प्रोबेबिलिटी फिर ये आ जाएगा। अब तुम्हें डिफरेंस समझना है, ये सब तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि क्या है, नहीं तो पूछो। अगर मैं 100 C2 लूंगा ना तो ये दोनों की मिल के प्रोबेबिलिटी ये आएगी, और अगर 100 C2 नहीं लेता हूं मैं तो सेपरेटली उसकी प्रोबेबिलिटी ये आएगी। अब तुम्हें समझना है कैसे, और नहीं तो पूछो। अगर मैं ऐसे लिखता हूं 100 into 99, एम की चॉइस 100 है, एम की 99 है, तो सिर्फ पहले वाले की प्रोबेबिलिटी आएगी, यही प्रोबेबिलिटी दूसरे वाले की भी आएगी सेम, क्योंकि यहां जब 100 C2 ले रहे तो ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं है, तो 1991 सेम चीज होगा, और अगर मैं 100 into 99 ले रहा हूं तो ऑर्डर फिक्स कर रहा हूं फर्स्ट एंड सेकंड, तो 19 M को 1 N को 9 होना अलग बात होगा, देन M को 9 और N को 1 होना थोड़ा डिफरेंट होगा। इसका भी आई थिंक सेम ही आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, चेक कर लो। ये 7 कब बनेगा, फिर से वही चीज होगी ना, 1 से स्टार्ट होगा, 1 से लेकर 25 भी, तो इसी चीज को चार बार कर दो ना, वो तो क्या काम, तो ये आंसर हो गया। देखो ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, चल एक मिनट सब पानी पी लेता हूँ, सो नेक्स्ट डाउट देखते हैं आपका।